गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। आज की वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप अपने मिंत्रा प्रोडक्ट में कन्वीनियंस फीस होती है उसको जो आप रिमूव करवाना चाहते हैं तो उसको रिमूव कैसे करवाएं। तो बहुत सारे यूजर्स को ये फ़ी है उनके जो प्रोडक्ट मंगा रहे हैं उसमें चार्ज कर रहे हैं उसके कुछ पैसे, तो आज की वीडियो में बताऊँगा कि कैसे इसको रिमूव किया जाए, कुछ टिप्स और ट्रिक्स है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो रीज़न जान लेते हैं इसका, प्रॉब्लम ये आती क्यों है। तो ये उनको आ रही है जो प्रोडक्ट को ऑर्डर तो करते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं, तो इसके कारण वो जो मिंत्रा वाले हैं उसमें वो कन्वीनियंस फीस लगा देते हैं उनके नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए। तो अगर आप ऑर्डर करते हो और उसको लेते नहीं हो तो बार बार कैंसिल कर देते हो तो ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो तीन मेथड है इसको रिमूव करने के लिए कन्वीनियंस फीस को। एक मेथड है कि आपको साइन अप करना पड़ेगा मिंत्रा लॉयल्टी प्रोग्राम, जिसमें आपको 1000 रुपये जो कुछ उसके गाइडलाइन होंगे उसमें कुछ आपको परचेज़ करना पड़ेगा इसकी मेंबरशिप वगैरह, तो उससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो गया है या फिर लॉस्ट हो गया है तो मिंत्रा आपको जो पैसे रिफ़ंड कर देगी, पर अगर आप बार बार उसको कैंसिल कर दे रहे हैं, अगर मंगवा लिया है फिर आप एकदम से जब शिप हो गया हो उसके बाद कैंसिल कर रहे हो उसको ले नहीं रहे हो तो ये प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारे यूजर्स को। तो फिर वो तब वो ऐड करते हैं, तो कितनी फ़ीस ऐड कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट में वो मैं बताऊंगा और किस हिसाब से कर रहे हैं। अगर आपने 1200 का प्रोडक्ट मंगवाया है तो आपको जो कन्वीनियंस फीस है कभी कभी 150 भी ले जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो रिटर्न है बहुत ज़्यादा है। आपने 5-6 प्रोडक्ट जो रिटर्न किया है, और जब मैंने उनको पूछा तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए तो उन्होंने कहा कि आपको प्रोडक्ट को रिटर्न कभी नहीं करना है और ना उनको कैंसिल करना है। और एक मेथड ये है कि आप लॉयल्टी प्रोग्राम ले सकते हो, उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से आप ये चार्ज को रिमूव कर सकते हो। होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करें।